वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल इवनिंग। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं सुपरमार्केट किचन का सामान लेने। ये है हमारी फूल गोभी। कल हम बनाएंगे मोमो, उसके लिए हम लेके आए हैं बंद गोभी, लेमन का अचार, किस मसाला, पापड़ और एक सोयाबीन और एक राइस और आज बनाएंगे फिश। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और अभी हम सुपरमार्केट से सारा सामान लेके आ चुके हैं और मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। आज मैं सब्जी बनाऊंगी मछली की। मसाला रेडी करने के लिए मैंने लहसुन, एक प्याज, जीरा, अदरक, 4 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, इन सब मसालों को एक साथ अच्छी तरह से पीस लेंगे। ऑयल गरम हो गया है, इसमें हमने कटे हुए प्याज डाल दिए हैं और प्याज को अच्छी तरह से पका लेंगे। जैसे ही प्याज अच्छे से पक जाएंगे, हमने जो मसाला पीस कर रेडी किया था मसाले को इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे। और इन मसालों को ज़्यादा देर तक पकाएंगे नहीं। थोड़ा सा पकने के बाद इसमें हम कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च डालकर इनको भी अच्छी तरह से पका लेंगे। जैसे ही टमाटर हाफ कुक हो जाएंगे, हम इसमें सभी मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, फिश मसाला और कसूरी मेथी डालकर इसमें इन मसालों को अच्छी तरह से पका लेंगे। जैसे ही मसाले पक जाएंगे, हम इसमें फिश को ऐड कर देंगे और इनको
और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे ही मसाला फिश के साथ मिक्स हो जाएगा, हम इन फिश को अच्छी तरह चटकने के लिए छोड़ देंगे और चारों तरफ से अच्छी तरह चटका लेंगे। जैसे ही फिश चटक जाएंगी, इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसको ढक कर हम 10 मिनट तक पका लेंगे। जब तक हमारी सब्जी पक रही है, हम एक चूल्हे पे चावल चढ़ा देते हैं। रात के 1 बज चुके हैं और हम लोगों का अभी खाना नहीं हुआ है। हम लोग अभी किसी का वेट कर रहे थे तो वो आ गए हैं। अब हम उसके बाद ही खाना खाएंगे। अब मैं जा रही हूँ खाना गर्म करने के लिए, वो क्योंकि वो खाना गर्म हो चुका है और मैं यहाँ पे पापड़ तल लेती हूँ। जैसे ही पापड़ तल गए हैं, मैंने यहाँ पे थाली लगा दी है और ये हमारा खाना लगकर तैयार हो चुका है। मैं फटाफट खाना पहले दे देती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊँगी। इन लोगों का खाना हो रहा है, इन लोगों का खाना हो गया था तो मैंने भी उसके बाद अपनी थाली लगा ली है और मैं भी खाना खा लेती हूँ क्योंकि अभी रात के 1:30 बज चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।